Good morning friends now the next chapter for the revision is international financial management and basically this is international capital budgeting तो यहां पर हम जो कवर करेंगे कैपिटल बजिटिंग के कॉन्सेप्ट कवर करेंगे साथ में यहां पर जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पर फॉरेक्स का कुछ पार्ट उन्होंने ऐड किया है दिस इज सिंपली कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्डेड यूजिंग स्वैप पॉइंट्स यूजिंग इंटरसेट पैरिटी थ्योरी परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी तो किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज करके वो वहां पर देख लीजिए फॉरेक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं तो दिस इज सिंपली द फॉरेक्स पार्ट प्लस कैपिटल बजटिंग पार्ट एंड दिस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और द इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ दिस इज द कॉमन चैप्टर फॉर द ओल्ड कोर्स एंड द न्यू कोर्स काफी लोगों की क्वेरीज थी कि सिर्फ ये न्यू कोर्स का पार्ट है या ओल्ड कोर्स का भी पार्ट है तो मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ दोनों के लिए रेलिवेंट है दोनों के एग्जाम में वो वहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है एंड दिस इज इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग और द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो सिंपल सबसे पहले व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग तो कैपिटल बजटिंग में आपके पास जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दिस इज आइडेंटिफाइंग एंड इवेलुएटिंग द कैपिटल प्रोजेक्ट्स तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है जितने भी हमारे प्रपोजल्स हैं जितने भी कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स हैं तो दीज आर आइडेंटिफाइंग एंड इवेलुएटिंग द लॉन्ग टर्म प्रपोजल्स याद रखना यहाँ पर जो भी हम डिस्कस करेंगे दिस इज़ ओनली द लॉन्ग टर्म पार्ट तो मर्जर एक्विशन में भी हमने वहाँ पर एन पी वी डिसीजन को यूज़ किया था फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज वहाँ पर भी हम एन पी वी डिसीजन को यूज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ याद रखना पूरे एस एफ एम ने हमने एन पी वी डिसीजन को बहुत यूज़ किया है और वही यहाँ पर है आपके पास दिस इज़ योर एन पी वी डिसीज़न तो वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड एवेलुएटिंग द लॉन्ग टर्म प्रपोजल्स विच विल इफेक्ट योर फ्यूचर कैश फ्लोज और द फ्यूचर Earnings. तो यहाँ पर जो भी आपके इन फीचर्स वाले प्रोजेक्ट्स होंगे तो शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर कवर नहीं होंगे देख लीजिए हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर कंसिडर करेंगे जो आपके फ्यूचर कैश को क्या करेंगे इम्पैक्ट करेंगे तो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैपिटल बजेक्ट्स वी हैव रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट टू मेंटेन द बिजनेस रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट फॉर कॉस्ट रिडक्शन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स न्यू प्रोडक्ट एंड द मार्केट डेवलपमेंट एंड दीज आर मैंडेटरी प्रोजेक्ट्स तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट डिफरेंट कैटेगरीज साथ में टाइप्स हैं आपके पास वी हैव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अगर एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा वेन एक्सेप्टेंस ऑफ वन प्रपोजल इम्प्लाइज एंड ऑटोमेटिक रिजेक्शन ऑफ द अर प्रपोजल कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक प्रपोजल एक्सेप्ट उसके साथ का जो प्रोजेक्ट है दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ कार एंड टायर तो अगर कार का प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो टायर का ऑटोमेटिकली हो जाएगा दीज आर कॉम्प्लीमेंटरी प्रपोजल्स एंड द लास्ट वन इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मतलब जिन भी प्रोजेक्ट्स के एनपीवी पॉजिटिव है उन सब प्रोजेक्ट्स को क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल रैशनिंग वो यहाँ पर हो सकता है बट वो बेसिकली पार्ट आपके न्यू कोर्स में नहीं है वो ओल्ड कोर्स में है ठीक है तो न्यू कोर्स में स्पेशली दे आर ओनली कंसिडरिंग द इन फॉरेक्स प्लस कैपिटल बजटिंग पार्ट ये ओल्ड कोर्स के लिए भी रेलिवेंट है और ओल्ड कोर्स का अलग से कैपिटल बजटिंग और मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जिसका ओल्ड कोर्स है तो वो वाली वीडियोज भी वो देख ले ठीक है तो देखिए सर यहाँ पर सबसे पहले सिंपल कॉन्सेप्ट एनपीवी दिस इज कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस सेकेंड आपका जो यहाँ पर डिसीजन है इफ एनपीवी पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे एनपीबी नेगेटिव है तो क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे और अगर एनपीबी जीरो है तो दिस इज इन डिफरेंट ठीक है सेकेंड पॉइंट आप, आपके पास क्या है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है दिस इज सिंपली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज डिवाइड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउट और द इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो यहां पर आपके पास इफ पी आई इज ग्रेटर देन वन तो वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ पी आई इज लेस देन वन वी शुड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट और पी आई अगर इक्वल टू जीरो है तो हम क्या करेंगे इनडिफरेंट करेंगे पी आई कब यूज हो रहा है वहां पर आपके बाद देख लीजिए रैंकिंग करने के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं पी आई इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है नेट पी आई दिस इज नेट पी आई नेट पी आई में वी आर यूजिंग एनपी वी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो और द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ठीक है साथ में आपके पास पे बैक पीरियड पे बैक पीरियड का क्या मतलब है सिंपली जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम में पे बैक हो रही है एंड दिस इज फ्रॉम द कैश इनफ्लोस ठीक है तो दिस इज योर पे बैक पीरियड दिस इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट और द आउटफ्लो फ्लो डिवाइड बाई एनुअल कैश फ्लोस अगर आपके पास इक्वल कैश फ्लोस है ठीक है बट अगर अनइक्वल है तो वी आर यूजिंग वहां पर देख लीजिए हम क्या करेंगे क्यूमुलेटिव वाला अप्रोच यूज करेंगे तो दिस इज फुल ईयर अंटिल रिकवरी प्लस अनरिकवर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कैश फ्लोज ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कैश फ्लो निकालेंगे फिर क्यूमलेटिव निकालेंगे और फिर हम वहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे पे बैक पीरियड बट प्रैक्टिकली वी आर ऑलवेज यूजिंग द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड तो सबसे पहले कैश इनफ्लोज का क्या करेंगे डिस्काउंटिंग करेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालेंगे फिर क्यूमिलटिव करेंगे और फिर क्या निकालेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड तो प्रैक्टिकली वी आर यूजिंग द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आयरा टेक्निक वो कई बार डिस्कस कर चुके हैं इट इज़ ए डिस्काउंटेड एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज कल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज तो वहां पर हम वो रेट निकालना चाहते हैं जहां पर इनफ्लोस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो किसके बराबर हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाउ टू कैलकुलेट दो रेट गैस करेंगे एक से पॉजिटिव एनपीवी एक से नेगेटिव एनपीवी अलग अलग चैप्टर में हमने अलग अलग मेथड यूज़ किए हैं टू गैसिंग अवर रेट्स तो उस केस में यहां पर जो कैपिटल बजटिंग में वी आर यूजिंग द देख लीजिए फ़ेक पे बैक पीरियड हम क्या यूज़ करते हैं फेक पे बैक पीरियड तो सिंपली वी आर यूजिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एवरेज कैश इनफ्लोस एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोस और उससे हमारे पास एक रेट आ जाएगा देख लीजिए फेक सॉरी एक पीरियड आ जाएगा उस पीरियड को हम क्या करेंगे एलोकेट करेंगे this is locate the above figure in the present value and factor table and take the discount rate to start the calculation of irr So basically usko rate ko use karke hum kya karenge start karenge to so this is our fake payback period aur ek bar mere paas pehla rate aa gaya उससे हम अगला rate guess करेंगे and then we have to interpolate lower rate plus lower rate npv डिवाइड बाय lower rate npv minus higher rate npv इनटू difference in rate and this is your calculation of irr नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिस इज योर नेट पी आई ऑलरेडी डिस्कस कर चुकेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउट फ्लोज अब देखो यहां पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज कैलक्युलेन ऑफ एनपीवी तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज द फर्स्ट वन इज इनिशियल आउट फ्लो सेकेंड वन इज एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एंड द थर्ड वन इज टर्मनल कैश फ्लोज तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना चाहे वो कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन इंटरनेशनल का हो या नॉर्मल कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन हो आपको क्वेश्चन में तीन चीजें सर्च करनी है द फर्स्ट वन इज इनिशियल आउटफ्लो हमारा क्या इनिशियल आउटफ्लो है एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमारे हर साल के कितने कैश इनफ्लोज हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे एंड द थर्ड वन इज टर्मिनल कैश फ्लो एट द टाइम ऑफ देख लीजिए जो भी एंडिंग पीरियड है जो आपका ईयर एंड आपका जो टोटल टाइम पीरियड एंड है तो मान लो फाइव ईयर्स का प्रोजेक्ट है तो दिस इज एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर विश्व ट देशमेंट याद रखना, आपको तो रखना मतलब कि आपको, आपने कितना इन्वेस्ट किया है तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कैल्कुलशन ऑफ एनपीबीड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म प्रस्पेक्टिव वट इज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव कि जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म का यहां पर कोई लेना देना नहीं है ठीक है तो यहां पर सिंपली इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वी आर यूजिंग द टू मैथड द फर्स्ट वन इज फ्रॉम एसेट साइड एंड द सेकंड वन इज फ्रॉम लाइबलिटी साइड एसेट साइड से वहाँ पर वी आर यूजिंग मैथड नंबर वन फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल हाउ टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइब्रेरीज तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा दिस इज योर इनिशियल कैश आउटफ्लोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट दूसरा तरीका क्या है लाइब्रेरी साइड से अब याद रखना वी शुड फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही कैलकुलेट करेंगे और ये जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है एफ एफ में भी यूज किया हुआ है दिस इज कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्री कैश फ्लोज फॉर द फ़र्म, उसी कॉन्सेप्ट को एग्जैक्टली exactly यूज करेंगे तो वहां पर हम सिर्फ जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे अगर लाइबिटी साइड से डेटा गिवन है तो वी आर यूजिंग द इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वर प्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला पार्ट लेंगे शॉर्ट टर्म वाला पार्ट नहीं लेंगे तो सिंपली देख लीजिए बैलेंस शीट से अगर मैं इसको मैच करके आपको दिखाऊं तो बैलेंस शीट में वी आर यूजिंग फिसरसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल करंट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अब लॉन्ग टर्म वाला ले, ले लेंगे लॉन्ग टर्म वाले कौन कौन से लोग हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंस सरप्लस लॉन्ग टर्म लोन्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो यही मैंने लिखा हुआ है loans, capital, और आए गए, आए गए। दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टली दे दिया कि कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज फाइव हंड्रेड करोड़ तो फाइव हंड्रेड करोड़ क्या होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट या आपको वहां पर क्या दे दिया फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल दूसरा पॉइंट यहां पर आपके पास क्या है हाउ टू कैलकुलेट द एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एंड वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म प्रस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन किसी को कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है एंड द सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने जो यूज किया था दिस इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एफ सी एफ एफ फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म एग्जैक्टली उसी को फॉलो करेंगे तो हाउ टू कैलकुलेट द प्रोजेक्ट कैश इनफ्लोस इनफ्लोस और द एनुअल ऑपरेटिंग कैश ठीक है तो सिंपली सेल प्राइस पर यूनिट माइनस सिबल कॉस्ट पर यूनिट दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स तो वहां पर आपके पास क्या निकल के आ जाएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट दिस इज एक्सक्लूडिंग डेप्रिशिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रिशिएशन तो दिस इज योर से नॉन कैश चार्जेस माइनस करेंगे दिस इज डेप्रिशिएशन एंड अमोटाइजेशन तो आपके पास क्या इबिट इबिट में से क्या माइनस करोगे टैक्स तो क्या निकल के आएगा नो पैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नॉन कैश आइटम है तो वापस देख लीजिए या नॉन कैश आइटम सिर्फ उसका रिलेवेंस क्या है हमें उसकी सिर्फ टैक्स सेविंग को कंसिडर करना है तो यहां से हमने लेस किया और वापस एडबैक कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा सी फैट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स याद आ जाएगा याद रखना सर दिस इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स याद आ गया पॉइंट जो हमने वहां पर डिस्कस किया था दो पॉइंट हमने और वहां पर एड माइनस किए थे माइनस इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स उस साल अगर कोई फिक्स एसेट्स में कोई एक्स्ट्रा आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो और माइनस करेंगे माइनस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल वो भी क्या करेंगे माइनस करेंगे या रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल है तो वो क्या करेंगे एड करेंगे बट उस तरह की एडजस्टमेंट यहां कैपिटल बजटिंग में नहीं है बट अगर है तो वहां पर भी हम करेंगे हर साल का जब कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे इफ यू हैव एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स तो वो क्या करेंगे माइनस करेंगे अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल है तो वो भी माइनस करेंगे या रिलीज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल है किसी पर्टिकुलर ईयर में तो वो क्या करेंगे ऐड बैक करेंगे तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द सीफैट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ठीक है लास्ट में थर्ड पॉइंट आपके पास क्या आएगा दिस इज योर टर्मिनल कैश फ्लोस एंड हाउ टू कैलकुलेट टर्मिनल कैश फ्लोस तो हमने फिक्स्ड एसेट्स ली थी अब लास्ट में उसमें कुछ पार्ट बचेगा तो दिस इज सेल्वेज वैल्यू एडजस्टेड फॉर टैक्स साथ में आपके पास वर्किंग कैपिटल जो हमने इन्फ्यूज किया तो एग्जेक्टली exactly वो हमें वापस मिलेगी एंड दिस इज योर रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल तो दो मेन आइटम आपके पास आएंगे दिस इज सैलवेज वैल्यू एडजस्टेड फॉर टैक्स द सेकंड वन इज दिस इज योर रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड दिस इज एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ ठीक है तो आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गया एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ गया एंड दिस इज योर टर्मिनल कैश फ्लोज और उसको डिस्काउंट करेंगे और किससे डिस्काउंट करेंगे दिस इज के ओर दिस इज कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल ठीक है तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड दिस इज फ्रॉम द ओवरऑल कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू तो याद रखना इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा इंटरेस्ट क्यू माइनस नहीं होगा बिकॉज वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द फ्री कैश फ्लो अवेलेबल फॉर द होल फर्म दिस इज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म तो इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा वॉट अबाउट द इंटरेस्ट टैक्स सेविंग जो इंटरेस्ट टैक्स सेविंग हुई है उसका क्या हुआ सर वाइल कैलकुलेटिंग के ओ तो आप के ओ कैसे निकालते हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेप्ट वेट ऑफ डेफ्ट और कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होता है इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स और अगर इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स है तो उसके अंदर ऑलरेडी टैक्स पार्ट हमने क्या कर लिया है कंसिडर कर लिया है तो हम वहां पर इंटरेस्ट टैक्स सेविंग को भी कंसिडर नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग द कैश इनफ्लोस ठीक है तो ये याद रखना यहां पर कॉन्सेप्ट तो देख लीजिए ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिशिएशन वो हमें आता है कि वहां पर डेप्रीशिएशन इज ए नॉन कैश आइटम इट शुड नॉट बी कंसिडर इन अवर एनालिसिस वी ओनली कंसिडर द टैक्स सेविंग ऑन द एंड हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिशिएशन दिस इज डेप्रिशिए अमाउंट इनटू टैक्स रेट याद रखना डेप्रिशिएशन इनटू

तो क्या निकल के आ जाएगा सी फैड दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आएगा ठीक है नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट मैं बता चुका हूं कि वाइल कैलकुलेटिंग द फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म और दी फैड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स और नेट ऑपरेटिंग कैश आफ्टर टैक्स तो उस केस में फाइनेंस कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द फ्री कैश फ्लोज फ्रॉम द होल कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन So, this is your finance costs are already reflected in the project required rate of return. This is VAC. This shows that the interest on the long-term loans as well as the tax saving is already considered by the KO. KO on the we are already incorporated the interest tax saving. So while calculating the CFAT, we are not considering the tax saving on the interest. We are only considering tax saving while calculating the cost of overall capital. नेक्स्ट पॉइंट आपके पास नोट नंबर थ्री में देखिए नेट इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल मैंने पहले बताया हाउ टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइब्रेड तो अगर मुझे पर्टिकुलर ईयर में कैलकुलेट करनी है तो वी शुड कंसीडर द चेंज इन नॉन कैश करंट एसेट्स माइनस चेंज इन नॉन कैश करंट लाइब्रेडिज नॉन कैश क्यों लिख रहा हूं कि वहां पर कैश एंड कैश इक्वलेंट्स को वी आर नॉट कंसिडर नॉट पेबल्स शॉर्ट टर्म लाइब्रेडिज Of the long term debt, position, उस साल का जो करो तो भी हम वहाँ पर देख नहीं करेंगे capital, तो इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल इज एन आउटफ्लो दिस इज एट टाइम जीरो रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल दिस इज एन इनफ्लो एट टाइम देख लीजिए एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ एट टाइम फाइव टाइम जो भी आपका क्या है वहां पर प्रोजेक्ट का लाइफ है तो वर्किंग कैपिटल शुड नॉट बी एडजस्टेड फॉर टैक्स याद रखना वर्किंग कैपिटल का उसका टैक्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नॉट सब्जेक्ट टू एनी तो आर द एडजस्टमेंट जो आपको वहां पर एग्जाम के questions में मिलेंगी साथ में आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स अगर वहां पर देख लीजिए किसी भी पर्टिकुलर ईयर में वी हैव ए लॉस इफ वी हैव ए लॉस इन ए पर्टिकुलर ईयर वी हैव टू एडजस्टमेंट दो एडजस्टमेंट है पहला है सेट ऑफ वॉट इज सेट ऑफ कि मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे अदर प्रॉफिटेबल बिजनेस है और कोई अदर प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो उसके प्रॉफिट से इसके लॉस को क्या कर दूंगा सेट ऑफ बट क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होगी तभी आप यह एजम्शन लेंगे अदरवाइज आप यह एजम्सन नहीं लेंगे तो सिंपली इफ वी एज्यूम दैट द फर्म हैज अदर प्रॉफिटेबल बिजनेस लॉस इन ए पर्टिकुलर ईयर जनरेट द टैक्स सेविंग तो वी आर कंसिडरिंग द टैक्स सेविंग सेकेंड जो ट्रीटमेंट है दिस इज कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ वट इज कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा नया बिजनेस है एक पर्टिकुलर एक ही बिजनेस है तो उस केस में किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर लॉस है तो मैं उसको अगले साल क्या करूंगा कैरी फॉरवर्ड और अगले साल के प्रॉफिट से उसको क्या करूंगा सेट ऑफ एंड दिस इज कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ तो दिस इज द कंपनी हैज एन इंडिविजुअल बिजनेस और द न्यू बिजनेस

इनकम वी आर कंसिडरिंगल कैश फ्लोज इन कैश फ्लो दैटेक्ट इज अंडरटेक याद रखना अगर आपका इंक्रीमेंटल बेस का क्वेश्चन है तो वहां पर देख लीजिए आपके पास क्या होगा देख लीजिए आपको इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोज इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज एनुअल ऑपरेटिंग जो कैश फ्लोज हम निकाल रहे थे तो वहां पर इंक्रीमेंटल निकालेंगे एंड द लास्ट वन आपके पास इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू इंक्लूडेड इन अवर एनालिसिस कोई भी अगर है, है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे तो अगर आपके पास देख लीजिए पर्टिकुलर डिसीजन लेने से हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस पे उसका इंपैक्ट हो रहा है तो वी शुड कंसिडर दैट इंपैक्ट ऑल्सो इन अवर एनालिसिस ठीक है तो उसका सिंपल एग्जाम्पल है कोक एंड डाइट कोक तो अगर हम डाइट कोक का नया प्रोजेक्ट या नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उस केस में वहां पर देख लीजिए हमारी एग्जिस्टिंग कोक की सेल पर उसका इंपैक्ट होगा और जो भी इंपैक्ट हो होगा पॉजिटिव कैनिबलाइजेशन और द नेगेटिव कैनिबलाइजेशन वी शुड कंसिडर इन अवर एनालिसिस ठीक है तो इन केस ऑफ कोक तो वहां पर डाइट कोक अगर लॉन्च लॉन्च करेंगे तो कोक की सेल क्या हो जाएगी फॉल तो उसको क्या बोलेंगे नेगेटिव कैनिबलाइजेशन और अगर मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल बढ़ रही है किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके तो दिस इज पॉजिटिव कैनिबलाइजेशन ठीक है

माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिस इज योर एनपीवी दिस इज सिंपली योर एनपीवी व्हाट इज मॉडिफाइड एनपीवी जितने भी हमारे इनफ्लोज हैं सबकी क्या निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू सबकी क्या कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर वैल्यू इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया था बॉन्ड वैल्यूएशन में भी तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं के हमने में इस गप्ट को यूज किया था तो देख लीजिए फ्यूचर वैल्यू की क्या करेंगे प्रेजेंट वैल्यू तो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो इसको क्या बोलेंगे मॉडिफाइड एनपीवी मॉडिफाइड एनपीवी सिंपल पॉइंट है जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनकी क्या करेंगे देख लीजिए प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो क्या निकल के आएगा एनपीवी अगर मैं सबकी फ्यूचर वैल्यू निकाल के क्या करूंगा प्रेजेंट वैल्यू दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो क्या निकल के आएगी मॉडिफाइड एनपीवी दूसरा आपके पास आईआरआर आर सबसे पहले सिंपल आईआरआर आर क्या था आपके पास व्हाट इज आईआरआर आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिस इज ए डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी जीरो हम क्या बोल रहे थे दिस इज ए डिस्काउंटेड एट विच एनपीवी जीरो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ

पावर एन किसके बराबर होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो यहां पर हम किसको सॉल्व कर लेंगे इस डिस्काउंट रेट को यूज सॉल्व कर लेंगे एंड दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड आयर आर इसको क्या बोलेंगे मॉडिफाइड आयर आर तो देख लीजिए सर एक बार ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपके पास दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडिफाइड एर आर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और द रीइन्वेस्टमेंट रेट आर सेपरेटली गिवन दैन द कैलकुलेट मॉडिफाइड एनपीबी एंड मॉडिफाइड एर आर एंड इट इज अ डिस्काउंटेड एच मॉडिफाइड एन पी जीरो तो दिस इज योर टर्मिनल वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू बेसिकली टर्मिनल वैल्यू इज बेसिकली योर फ्यूचर वैल्यू उसका डिस्काउंट रेट डिस्काउंटिंग करेंगे माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तो वो क्या निकल के आएगी मॉडिफाइड एनपीवी और दोनों को इक्वल रख देंगे और उससे रेट कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे मॉडिफाइड एर आर तो हमारे एग्जाम में दो बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है तो देख लीजिए आपके पास दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड एर आर नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इन्फ्लेशन अंडर कैपिटल बजटिंग पॉपुलर एडजस्टमेंट है एट टू टेन मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड है एंड दिस इज फॉर नवंबर नाइनटीन नवंबर नाइनटीन में यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आना 100 परसेंट चांस है कि वहां से क्वेश्चन आएगा ठीक है अब वो डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन आए या वहां पर पूरा कॉन्सेप्ट चेक करें वो अलग बात है बट यहां से क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है तो देख लीजिए इन्फ्लेशन अंडर कैपिटल बजटिंग तो इन्फ्लेशन रेट विल इफेक्ट थ्री थिंग्स द फर्स्ट वन इज कैश फ्लोज सेकेंड वन इज डिस्काउंट रेट एंड द फाइनली एनपीवी कैश फ्लोज आपके पास दो तरह के होते हैं वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज वी हैव रियल कैश फ्लोज एंड वी हैव नॉमिनल कैश फ्लोज और द मनी कैश फ्लोज रियल कैश फ्लोज का मतलब क्या है इट एक्सक्लूड्स इन्फ्लेशन एंड नॉमिनल कैश फ्लो का क्या मतलब इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ रियल कैश फ्लोज इन टू द मनी कैश फ्लोज एंड वाईसी वर्सा अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको फॉलो करनी है आपको पैरिटी फॉलो करनी है अगर सब कुछ रियल है तो वहां पर देख लीजिए हम वहां पर एनपीवी कैलकुलेट कर पाएंगे अगर सब कुछ नॉर्मल है तभी हम एनपीवी कैलकुलेट कर पाएंगे तो अगर क्वेश्चन में आपके पास पैरिटी मेंटेन नहीं है तो उस केस में हम कन्वर्जन करेंगे इफ यू हैव रियल कैश फ्लोज बट डिस्काउंट रेट वहाँ पर रियल नहीं है नॉमिनल है तो पहले हम पैरिटी वहाँ पर मेंटेन करेंगे और उसके बाद हम वहाँ पर देख लीजिए एनपीवी कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो देख लीजिए वी हैव मनी कैश फ्लोज मैंने अभी बताया कि वहां पर इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट है और रियल कैश फ्लो वहां पर इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं है तो मनी कैश फ्लोज इक्वल टू रियल कैश फ्लो वन प्लस इन्फ्लेशन रेस टू दी पावर एंड और द रियल कैश फ्लो इक्वल टू मनी कैश फ्लोज डिवाइड बाय प्लस इन्फ्लेशन रेस टू दी पावर एंड सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है डिस्काउंट रेड एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट रेड रियल डिस्काउंट रेड एंड द नॉमिनल डिस्काउंट रेड इट एक्सक्लूड्स इन्फ्लेशन इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन तो ये आपके पास देख लीजिए दिस इज़ योर रियल डिस्काउंट रेट एंड द नॉमिनल डिस्काउंट रेट इट एक्सक्लूड इन्फ्लेशन इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन अब मुझे कन्वर्जन करना है मुझे रियल से नॉमिनल पे जाना है नॉमिनल से रियल पे जाना है तो यहाँ पर वी आर यूजिंग द फिशर्स इफेक्ट ठीक है तो वो हमने फॉरेक्स में भी डिस्कस किया था फिशर्स इफेक्ट व्हाट इज फिशियर्स इफेक्ट वन प्लस मनी रेट इक्वल टू वन प्लस रियल रेट इंटू वन प्लस इन्फ्लेशन रेट तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था मनी रेट इक्वल टू रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट बट हमेशा हम कंपाउंडेड मॉडल यूज करेंगे एंड द कंपाउंडेट मॉडल इज वन प्लस मनी रेट इज्कल टू वन प्लस रियल रेट इंटू वन प्लस इन्फ्लेशन रेट फाइनली एनपीवी तो पैरिटी मेंटेन करना है रियल कैश फ्लोज हैं रियल डिस्काउंटेड होना चाहिए तब एनपीवी निकालेंगे मनी कैश फ्लोज हैं मनी डिस्काउंटेड होना चाहिए तब एनपीवी निकालेंगे तो एनपीवी और द प्रेजेंट वैल्यू में इधर भी कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग द रियल कैश फ्लोज विद द रियल डिस्काउंट रेड एंड बाय डिस्काउंटिंग द मनी कैश फ्लोज विद द मनी डिस्काउंट रेड वी शुड फॉलो द पैरिटी आंसर इन बोथ द केस विल बी द सेम दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आएगा डेप्रिशिएशन इज नॉट एफेक्टेड तो एक एडजस्टमेंट है एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका important adjustment है इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएशन पे कोई भी इन्फ्लेन का इम्पैक्ट नहीं होगा बिकॉज डेप्रेशियन इज कैलकुलेटिंग ऑन द बेस वैल्यू जो बेस वैल्यू है उससे कैलकुलेट करते हैं दिस इज योर बुक वैल्यू ऑफ द एसेड नॉट द मार्केट वैल्यू तो डेप्रिशिएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द इन्फ्लेन एड एस डेप्रिशिएशन इज चार्ज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेड नॉट द मार्केट वैल्यू नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस बार अभी मे के एग्जाम में भी इसको उन्होंने टेस्ट किया है एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरऑल बीटा एसेट बीटा प्रोजेक्ट बीटा एंड द फॉर्म बीटा तो एक बार यहां पर ये दो सिचुएशन हम समझ लेते हैं और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है सर ध्यान से देखिए सर सिचुएशन वन बैलेंस शीट हंड्रेड परसेंट इक्विटी फॉर्म अगर 100% परसेंट इक्विटी फर्म है तो यहां पर सिर्फ क्या आएगा इक्विटी मान लो वन थाउसेंड मैंने थाउजेंड रुपीज ले लिया इक्विटी से अब मैं लगाऊंगा पर डिफरेंट एसेट्स में वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्चर्स स्टॉक कैश एंड बैंक 1000 थाउजेंड दिस इज योर बैलेंस शीट केस ऑफ 100% परसेंट इक्विटी फर्म तो ध्यान से देखना सर रिस्क ऑफ इक्विटी किसके बराबर होगा रिस्क ऑफ एसेट्स रिस्क ऑफ इक्विटी किसके बराबर होगा रिस्क ऑफ एसेट और यहां पर रिस्क कैलकुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग बीटा तो बीटा इक्विटी किसके बराबर होगा बीटा एसेट्स इक्वल टू बीटा ओवरऑल दिस इज द कॉन्क्लूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्क्लूजन है फॉर द हंड्रेड परसेंट इक्विटी फर्म बीटा इक्विटी इज इक्वल टू बीटा सेट्स इक्वल टू बीटा ओवरऑल इफ बीटा इक्विटी इज 1.5 तो बीटा भी कितना होगा 1.5 एंड बीटा ओवरऑल भी क्या होगा 1.5 एंड दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन याद रखना ये कंक्लूजन पता होंगे तभी इस कॉन्सेप्ट को सही से अप्लाई कर पाओगे ठीक है तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया दिस इज फॉर 100% परसेंट इक्विटी फर्म अगर 100% परसेंट इक्विटी फर्म है तो उस केस में बीटा इक्विटी बीटा सेट्स बीटा ओवरऑल सब कुछ क्या रहेगा सेम रहेगा तो इस फर्म को क्या बोलते हैं दिस इज योर अनलिवर्ड फर्म इसको क्या बोलेंगे अनलिवर्ड फर्म तो बीटा अनलिवर्ड बीटा इक्विटी बीटा एसेट्स बीटा ओवरऑल सब कुछ क्या रहेगा सेम रहेगा इन केस ऑफ हंड्रेड परसेंट इक्विटी फर्म नाउ द सेकेंड पॉइंट दिस इज इक्विटी प्लस डेफ फर्म ध्यान से देखना सर बैलेंस शीट क्विटी प्लस डेप्ट फॉर्म सर तो यहाँ पर इक्विटी आ गई प्लस डेप्ट आ गया सिक्स हंड्रेड फोर हंड्रेड टोटल कितना है आपके पास वन थाउजेंड अब ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट एसेट्स तो क्या रहेंगी सेम ही रहेंगी सर ऐसा तो नहीं है कि आपने वहां पर डेप प्लस इक्विटी ले लिया तो आप कोई पर्टिकुलर एसेट नहीं परचेज करेंगे एसेट्स तो वही सेम रहेंगी बस आप वहां पर सोर्स ऑफ कैपिटल क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं वही लैंड एंड बिल्डिंग वही प्लांट एंड मशीनरी वही फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स स्टॉक एंड कैश एंड बैंक एंड अगेन द टोटल इज वन तो इसका मतलब आप पैसा कहीं से भी लें देख लीजिए योर एसेट्स विल रिमेन सेम आपकी एसेट्स क्या रहेंगी सेम रहेंगी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल रिमेन सेम याद रखना आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा वेदर आप 100% परसेंट इक्विटी करें या वहां पर डेप प्लस इक्विटी करें वेदर यू आर ए लिवर्ड फर्म और एन अनलिवर्ड फर्म आप लिवर्ड फर्म हो या अनलिवर्ड फर्म हो टोटल एसेट्स विल रिमेन सेम याद रखना आपकी टोटल एसेट्स क्या रहेंगी सेम रहेंगी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल रिमेन सेम तो ध्यान से देखना सर कॉन्सेप्ट बीटा इक्विटी प्लस देख लीजिए बीटा डेप्ट किसके बराबर रहेगा या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टोटल रिस्क ऑफ इक्विटी प्लस डेप्ट इज टू टोटल रिस्क ऑफ एसेट्स टोटल रिस्क ऑफ इक्विटी प्लस डेप्ट किसके बराबर रहेगा टोटल रिस्क ऑफ एसेट और रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग द बीटा अब वहां पर देखना पड़ेगा इक्विटी का कितना प्रपोर्शन और डेप्ट का कितना प्रपोर्शन है तो बीटा इक्विटी इनटू प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी प्लस बीटा डेप्ट इनटू डेप्टन ऑफ डेप्ट प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट डेप्ट अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट तो किसके बराबर रहेगा बीटा ऑफ एसेट्स तो एसेट्स हमेशा क्या रहेंगी सेम रहेंगी वेदर इट इज ए लीवर्ड फॉर्म और अनलीवर्ड फॉर्म तो इसका फाइनल कॉन्क्लूजन क्या निकला बीटा

और बीटा सेट्स, बीटा ओवरऑल बीटा ऑफ लीवर फॉर्म बीटा ऑफ अनलिवर विल रिमेन सेम ठीक है तो ये दो मेन कॉन्क्लूजन हैं, जो आपको फॉलो करने से पूरे कॉन्सेप्ट में और तभी आप वहां पर आगे मूव कर पाएंगे तो एक बार देख लीजिए दिस इज योर मतलब एक ही है सिर्फ आपको समझना है तो दिस इज फॉर हंड्रेड परसेंट इक्विटी अनलिवर्ड फॉर्म बीटा इक्विटी टू बीटाट इक्वल टू बीटा ओवरऑल डेप प्लस इक्विटी फार्म इज ए लीवर्ड फॉर्म बीटा ऑफ लीवर्ड फॉर्म इजल टू बीटा ऑफ अनिवर्ड फॉर्म बीटा ओवरऑल और बीटा एसेट्स क्या रहेंगे सेम रहेंगे क्या चेंज होगा विदेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर बीटा इक्विटी और बीटा डेप्ट तो ध्यान से देखना कॉन्क्लूजन क्या है ओर ऑल बीटा ऑफ द कंपनीज बिलोंगिंग टू द सेम सेक्टर और द इंडस्ट्री ऑलवेज रिमेन द सेम तो दिस इज द तो दिस इज द मॉडल गिवन बाय द एम एम और उन्होंने कहा कि ओरऑल बीटा हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा हम मानेंगे कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में वो बीटा ओरऑल बीटा क्या रहेगा सेम इक्विटी बीटा और डेप बीटा में चेंज विद द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ओवरऑल बीटा ऑफ द प्रोजेक्ट कॉन्ट बी चेंज विद द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी तो ओवरऑल बीटा हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू एमएम द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज द ओवरऑल बीटा कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज चेंज होने से ओवरऑल बीटा नहीं होगा अब यहां पर एक छोटी सी एडजस्टमेंट है जो हमारा फाइनल मॉडल था फाइनल मॉडल हमारा क्या था देख लीजिए बीटा इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट प्लस बीटा डेप्ट इंटू डेप्ट अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट दिस इज योर बीटा ओवरऑल एक ही कॉन्सेप्ट को यूज करना बस इसी इक्वेशन को यूज करना है अब यहां पर दो एडजस्टमेंट है पहली एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं कि डेप्ट इज एज टू बी देख लीजिए द बीटा डेप्ट इज जीरो बिकॉज हम क्या मान के चलते हैं डेप्ट इज एज्यूम टू बी रिस्क फ्री डेप्ट आपके पास क्या है रिस्क फ्री है और रिस्क फ्री है तो उसका बीटा क्या होगा जीरो होगा तो ये पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा जीरो दूसरा पॉइंट वो क्या कह रहे हैं देख लीजिए कि वहां पर देख लीजिए डेप्ट वहां पर क्या है दिस इज इट जनरेट टैक्स सेविंग्स तो डेप्ट को क्या लेंगे नेट ऑफ टैक्स डेप्ट को क्या लेंगे नेट ऑफ टैक्स तो फाइनल मॉडल मेरे पास क्या आ गया देख लीजिए बीटा इक्विटी इनटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट नेट ऑफ टैक्स प्लस बीटा डेप्ट और उसको हम क्या मान रहे हैं जीरो अगर क्वेश्चन में बीटा डेप्ट दे दिया तो ले लेना और अगर बीटा डेप्ट नहीं दिया तो वी ऑलवेज एज्यूम टू बी जीरो डेप्ट नेट ऑफ टैक्स अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट नेट ऑफ टैक्स एंड दिस इज बीटा बीटा ओवरऑल ओवरऑल ये आपके पास क्या निकल के आया तो ध्यान से देखिए सर दिस इज योर फाइनल इक्वेशन बीटा ओवरऑल इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट नेट ऑफ टैक्स प्लस बीटा डेप्ट डेप्ट नेट ऑफ टैक्स अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट नेट ऑफ

अब बस याद रखना ये तभी अपलीकेबल है जब वहां पर टैक्स रेट मिसिंग है तो वहां पर आप ध्यान रखना अगर टैक्स रेट गिवन है तो सिर्फ यही मॉडल यूज होगा फिर ये वाला मॉडल यूज नहीं होगा तो सिंपली आप एक ही पे फोकस करें एंड दिस इज योर मेथड नंबर वन के ओ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेफ्ट वेट ऑफ हाउ टू कैलकुलेट के यूजिंग कैप दिस इज रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ एंड हाउ टू कैलकुलेट के डी दिस इज इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स इफ इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन इट इज एज्यूम टू बी दिस इज इक्वल टू देख लीजिए इट इज एज्यूम टू बी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट अगर क्वेश्चन में इंटरेस्टेड नहीं है तो दिस इज दिस्यूम टू बी रिस्क फ्री रेट इफ बीटा इज इज नॉट गिवन दिस टू बी इक्वल टू इफ इज 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 अगर zero है तो दिस 100 इक्विटी ओवरऑल बीटा इक्वल टू बीटा इक्विटी एंड दिस इज फॉर हंड्रेड परसेंट इक्विटी फॉर्म ओवरऑल बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा तो अब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है एक बार वो समझ लेते हैं एक मिनट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा सर तो ध्यान से देखिए सर वॉट इज द कॉन्सेप्ट रिलायंस है सर रिलायंस आपके पास देख लीजिए किस बिजनेस में काम कर रहा था दिस इज इन द रिफाइनरी बिजनेस वो किस में था रिफाइनरी बिजनेस में था ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी था और उसका मेरे पास बीटा इक्विटी अवेलेबल था मार्केट में बट दिस इज फॉर द रिफाइनरी बिजनेस पेट्रोकेमिकल बिजनेस देख लीजिए बट अब रिलायंस डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं दिस इज इन द टेलीकॉम सेक्टर कहां जाना चाहता है टेलीकॉम सेक्टर में और अगर वो टेलीकॉम सेक्टर में जाना चाहता है तो उस केस में वहां पर वो उस प्रोजेक्ट की क्या निकालेगा एनपीवी और एनपीवी निकालने के लिए वो क्या करेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट यही करेगा सर और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए वो क्या करेगा सर आपके पास देख लीजिए उसको क्या चाहिए डिस्काउंट रेट एंड द डिस्काउंट रेट इज केओ हाउ टू कैलकुलेट के कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ वेट ऑफ डेप्ट और के कैसे निकालेगा सर रिस्क फ्री प्लस बीटा इक्विटी माइनस तो ध्यान से देखना सर अब उसको बीटा इक्विटी चाहिए क्या वो रिलायंस का बीटा इक्विटी यूज कर सकता है सर ऑलरेडी जो रिफाइनरी बिजनेस चल रहा है क्या उसका बीटा इक्विटी यूज कर सकता है सर नहीं कर सकता है सर बिकॉज वो कौन से बिजनेस का है फाइनरी बिजनेस का है उसको तो किस बिजनेस का चाहिए टेलीकॉम सेक्टर का बट वो तो अभी उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी तो वो कहां जाएगा सर कंपेरेबल पे और वो उसने किसको ढूंढा एयरटेल एयरटेल का स्पेसिफिक बिजनेस है देख लीजिए टेलीकॉम सेक्टर में वो काम कर रहे हैं एयरटेल तो एयरटेल ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है सर अब ध्यान से समझना सर ये पॉइंट एयरटेल आपके पास लिस्टेड कंपनी है उसका मेरे पास बीटा इक्विटी अवेलेबल होगा साथ में मेरे पास उसका कैपिटल स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर डेफ्ट इक्विटी रेशियो डेप फाइनेंसिंग रेशियो मुझे पता होगा मेरे पास बीटा इक्विटी है एयरटेल का मेरे पास कैपिटल स्ट्रक्चर है एयरटेल का तो मैं क्या निकाल लूंगा सर बीटा ओवरऑल क्या निकाल लूंगा बीटा ओवरऑल एंड दिस इज द बीटा ओवरऑल दिस इज फॉर टेलीकॉम सेक्टर किसका निकाल लूंगा टेलीकॉम सेक्टर एंड दिस इज द दम्शन ऑफ द एम एम आपका ओवरऑल बीटा क्या रहेगा सेम रहेगा फॉर ए पर्टिकुलर सेक्टर तो वी हैव बीटा इक्विटी एंड दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एयरटेल और उससे मैं क्या निकाल लूंगा बीटा ओवरऑल फॉर द टेलीकॉम सेक्टर देख लीजिए क्योंकि ऑलरेडी क्या थी लिस्टेड कंपनी थी एंड वी आर यूजिंग द मॉडल कौन सा मॉडल यूज करेंगे जो अभी हमने सीखा है बीटा इक्विटी इन टू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस नेट ऑफ टैक्स ये वाला पार्ट जीरो तो क्या निकल के आ जाएगा बीटा ओवरऑल आगे मेरे पास बीटा ओवरऑल नाउ अब इसी सेम मॉडल को यूज करूंगा सर अब मैं बीटा ओवरऑल लिख लूंगा यहां पर जो आया है अब मुझे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर पता होगा ना रिलायंस को अपने प्रोजेक्ट का कैपिटल स्ट्रक्चर पता होगा वो पुट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास बीटा इक्विटी तो दो प्रोसेस फॉलो करेंगे पहले बीटा ओवरऑल निकालेंगे दिस इज फ्रॉम द कंपेरेबल कंपनी डेटा और फिर उसके बाद बीटा इक्विटी निकाल लेंगे अपना बीटा इक्विटी निकाल लेंगे तो दिस इज डीलिवरेजिंग एंड रीलिवरेजिंग प्रोसेस तो वहां पर देख लीजिए बीटा इक्विटी आ जाएगा और उस बीटा इक्विटी को रखेंगे सर कैपेम मॉडल में देख लीजिए वो ज्यादा रेलिवेंट है ना क्योंकि हमने किससे निकाला है टेलीकॉम सेक्टर के वहां पर कंपनी जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रही थी वो लिस्टेड कंपनी थी उसके वहां पर देख लीजिए हमने बीटा को यूज करके ओवरऑल बीटा निकाला फिर उससे वापस अपना क्या निकाल लिया है बीटा इक्विटी कैलकुलेट कर लिया है अब जैसे बीटा इक्विटी आ जाएगा सर आपके पास तो आपके पास क्या आ जाएगी केई केई से आपके पास क्या आ जाएगा देख लीजिए दिस इज के ओ आपके पास आ जाएगा तो के ओ आ जाएगा तो मैं क्या निकाल लूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो मेरे पास क्या आ जाएगी एनपीवी और अगर एनपीवी पॉजिटिव होगी सर तो वी शुड एक्सेप्ट इट अगर एनपीवी नेगेटिव होगी तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड दिस इज द फुल फुल्लैच कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरऑल बीटा एसेट बीटा फर्म बीटा प्रोजेक्ट बीटा कैसा भी क्वेश्चन हो आपको यही ढूंढना है सबसे पहले एग्जाम में आपको देखना है क्वेश्चन में कंपेरेबल कंपनी का डेटा ढूंढना है उससे क्या निकालना है

प्रोजेक्ट बीटा चेक कर लीजिए एक बार एंड वी आर सिंपली फॉलोइंग स्टेप्स जरूरत नहीं है मैंने आपको सिंपली बता दिया एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड द वैक तो यहां पर देख लीजिए हम जो प्रोजेक्ट बीटा निकालेंगे या अपना इक्विटी बीटा निकालेंगे उससे फिर हम के ओ -E, और वहां पर प्रोजेक्ट एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे एंड दिस इज द फुल्लैच कॉन्सेप्ट अब यहां पर एक छोटी सी और एडजस्टमेंट है अब कंपेरेबल कंपनी एयरटेल ना देके आपको आइडिया भी दे दिया टाटा भी दे दिया तो वी हैव हाँ थ्री कंपेरेबल कंपनी डेटा तो उस केस में मेरे पास इसका बीटा इक्विटी होगा इनका कैपिटल डेप्ट इक्विटी रेशियो होगा सबका तो मैं क्या निकालूंगा सबसे क्या निकाल लूंगा ओवरऑल बीटा सबसे क्या निकाल लूंगा ओवरऑल बीटा और इन तीनों को यूज करके क्या निकाल लूंगा सिंपल एवरेज करके क्या निकाल लूंगा एवरेज ओवरऑल बीटा ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर और फिर उस ओवरऑल बीटा से अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को यूज करके क्या निकाल लूंगा अपना बीटा इक्विटी एंड देन के ओ एंड एनपी वी एंड दिस इज द फाइनल कॉन्सेप्ट देख लीजिए दिस इज योर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट